सो नमस्कार सभी को सो वेलकम बैक टू दिस डिज़ाइन प्रिंसिपल वाली सीरीज़ सो uh, so, इसमें हम लोगों ने अभी तक बात कर ली है uh, किसके बारे में स्ट्रैटेजी डिज़ाइन पैटर्न के बारे में बात कर ली है ऑब्जर्वर पैटर्न के बारे में बात कर ली है right? राइट तो आज हम देखने वाले हैं कि डेकोरेटर पैटर्न क्या होता है राइट right? अभी नाम से आपको पता लग रहा होगा कि कुछ तो भी डेकोरेशन की बात होने वाली है ठीक है और जावा में होता ही क्या ऑब्जेक्ट्स होते हैं तो हम लोग ऑब्जेक्ट्स को ही डेकोरेट करने की बात करेंगे ठीक है बट डेकोरेशन का एक्चुअल मीनिंग क्या है वो हम समझेंगे अभी ठीक है सो टाइम वेस्ट ना करते हुए हम सीधे जंप करते हैं एग्ज़ाम्पल पे जैसे हम लोगों ने अभी तक पिछले पैटर्नस में ही किया था क्या किया था एग्जाम्पल्स के एग्जाम्पल्स को लेके हम लोगों ने पैटर्न समझा था राइट तो इसमें भी वही करेंगे तो स्टार्ट करते हैं तो गाइस हम लोगों को करना क्या है हम लोगों को क्या करना है स्टार बक्स की एक सस्ती कॉपी बनानी है स्टार बज़ एप्लीकेशन ठीक है तो बेसिकली एप्लीकेशन करेगी क्या तो इसमें हम लोग डील करेंगे कॉफ़ी के लिए कॉफ़ी के साथ ठीक है मतलब हम लोग क्या करेंगे अलग अलग प्रकार की कॉफ़ीज़ प्रोवाइड कराएंगे कस्टमर को ठीक है और कस्टमर आएगा कस्टमर क्या करेगा अपने पसंद की कॉफ़ी चुनेगा और हमको क्या करना है जो उसने कॉफ़ी चुनी है उसका बिल जनरेट करके उसको देना है एज सिंपल एज दैट इतनी सी ही रिक्वायरमेंट है दैट्स इट है ना बहुत ईजी ठीक है अब क्या आप इसके लिए कोई डिज़ाइन सोच सकते हो ठीक है जो बेसिक डिज़ाइन अभी तक हम फॉलो करते हुए आ रहे हैं स्ट्रेटेजी पैटर्न वगैरह में और ऑब्जर्वर पैटर्न में एक डक वाला एग्जाम्पल हमने किया था राइट तो इधर भी अगर आप देखोगे तो इधर भी क्या है हमारे पास अलग अलग टाइप की कॉफ़ी हैं करेक्ट हमारे पास एस्प्रेसो है हमारे पास डार्क रोस्ट है हाउस ब्लेंड है राइट हमारे पास अलग अलग टाइप की कॉफ़ी है ठीक है तो अगर आपको डिज़ाइन बनाना है तो आप कैसे बनाओगे वहाँ पर क्या था हमारे पास अलग अलग टाइप के डक थे राइट तो हमारे पास क्या था एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास थी डक टाइप की ठीक है और फिर उसको फर्दर बाकी जो अलग अलग टाइप की डग्स थी वो उसको एक्सटेंड कर रही थी राइट तो इधर भी सेम कहानी है सेम चीज़ करेंगे हम लोग क्या करेंगे एक बेवरेज क्लास बना लेंगे सुपर क्लास ठीक है उस क्लास के अंदर हम लोग एक वेरिएबल लेंगे डिस्क्रिप्शन जो कि ऑब्वियस ही बात है हर किसी कॉफ़ी का डिस्क्रिप्शन होगा ठीक है और क्या होगा उसके लिए गेटर मेथड बना लेंगे डिस्क्रिप्शन के लिए ठीक है और जो हमारा मेन मेथड है इधर कॉस्ट वाला मेथड ठीक है जो कि क्या करेगा अलग अलग कॉफी की कॉस्ट हमको बेसिकली देगा ठीक है और वही हमको उसी से बिल जनरेट करना है राइट तो क्या होगा हम लोग ये कॉस्ट मैथड बनाएंगे अब ये कॉस्ट मैटर मैथड हम क्या बनाएंगे एब्सट्रैक्ट टाइप का मैथड बनाएंगे क्यों बनाएंगे क्योंकि भैया हर कॉफ़ी का हर कॉफी जो अलग अलग टाइप की कॉफ़ी है उसका अलग अलग प्राइस होगा राइट तो हम इसको एब्सट्रैक्ट बनाकर इनको जो हमारे ये हैं सब क्लासेस हैं उनको फोर्स कर रहे हैं कि भैया है, तुम कॉस्ट वाले मेथड को ओवर करो ताकि तुम क्या करो अलग अलग कॉफ़ी की कॉस्ट प्रोवाइड करो राइट तो क्या होगा जैसे ही ये हम लोग एब्सैक्ट बनाएंगे तो जितनी भी अलग अलग टाइप की कॉफ़ीज़ होंगी जो इसको एक्सटेंड करेंगी बेवरेज को राइट उनको कॉस्ट यहाँ पे रिटर्न करनी है ठीक है मतलब उस कॉफ़ी की कॉस्ट यहाँ पे देनी है और उसके थ्रू हम लोग क्या करेंगे बिल जनरेट कर लेंगे एज सिंपल एज दैट ठीक है ये तो हो गया हमारा इनिशियल डिज़ाइन तो क्या इसको बनाओगे तो ठीक है मैं तो नहीं बना रहा ऐसा करते हैं इसको आप अपने सिस्टम में बनाओ ठीक है आप लोग क्या करो छोटा सा टास्क है आपको जस्ट एक एब्सट्रैक्ट क्लास बनानी है बेवरेज वाली ये मैथड्ज एड करने हैं और फिर ये अ, अलग अलग टाइप की कॉफीज़ बनानी है ठीक है और कॉस्ट मैथड इम्प्लीमेंट करना है ठीक है और एक मेन मैथड बनाकर ये कॉल करना है ठीक है तो ये तो हम लोग अभी दो वीडियो में करते हुए आ रहे हैं मैं तो नहीं करूँगा हम डायरेक्ट तो आगे बढ़ेंगे क्या करो आप इसको इम्प्लीमेंट करके वीडियो पॉज करो इम्प्लीमेंट करो और बताओ मुझे कमेंट में लिख के कि काम कर रहा है नहीं कर रहा जैसा हम लोगों ने रिक्वायरमेंट बोला है ठीक है ठीक है जी हम आगे बढ़ते हैं अब क्या हुआ अब जैसे आप लोगों ने भी देखा होगा रियल लाइफ में रियल लाइफ में क्या होता है आपका जो कॉफ़ी होती है वो आपको सिंपल कॉफ़ी तो नहीं मिलती है राइट आप चाहो तो उसमें विप क्रीम डलवा सकते हो राइट आप चाहो तो उसमें चॉकलेट डलवा सकते हो राइट करेक्ट हमारे पास बहुत सारे एडॉन्स होते हैं ठीक है तो हम लोग क्या कर सकते हैं वो एडोन्स को भी डलवा सकते हैं राइट तो जैसे मैंने जैसे हमारे पास है मान लो मुझे एस्प्रेसो चाहिए विद विप क्रीम ठीक है तो अब जो ये एड ऑन मैंने डलवा रखा है राइट इसकी भी तो कोई कॉस्ट होगी राइट इसकी भी तो कोई कॉस्ट होगी ना इसका भी डिस्क्रिप्शन होगा इसका भी कॉस्ट होगा ठीक है तो मुझे क्या करना है बिल जनरेट करना है ठीक है उस बिल में क्या होगा कॉफ़ी का कॉस्ट प्लस जो जो एड ऑन किए हुए हैं उसका कॉस्ट और हमको रिटर्न करना है टोटल कॉस्ट ठीक है जी ठीक है ये हमारी नई रिक्वायरमेंट है ठीक है तो मैंने क्या किया सिमिलरली कुछ भी नहीं किया मैंने बेवरेज हमारी मेन क्लास थी मैंने क्या किया कॉफ़ी के साथ कॉन्डिमेंट्स ऐड कर दिया उसका कॉस्ट ऐड कर दिया कॉस्ट वाले मेथड में दैट्स इट ठीक है ये मैंने बना दिया ठीक है ये चीज़ मैंने इम्प्लीमेंट कर दी है ठीक है और इम्प्लीमेंट करने के बाद मैंने मेन मेथड लिख दिया ठीक है आई होप कि आपने आ, अपने सिस्टम में वो चीज़ बना ली होगी तो दो मिनट का ब्रेक लो और ये वाली चीज़ भी बनाओ कि एडोन के साथ आप तीन चार क्लासेज और बनाओ ऐडन के साथ और उसमें कॉस्ट इम्प्लीमेंट करो ठीक है मीन वैल में आपको दिखा देता हूँ मैंने तो बना के रखा हुआ है तो मैं आपको दिखा देता हूँ मैंने क्या किया हुआ है मैंने क्या किया हमारी बेवरेज क्लास थी डिस्क्रिप्शन था हमारा स्ट्रिंग डिस्क्रिप्शन एक गेटर बना दिए और कॉस्ट हमने बना दिए है टाइप की ठीक है अब क्या है जैसे डार्क रोस्ट कॉफ़ी है ठीक है तो ये तो हमारा कॉफ़ी है सिंपल कॉफ़ी है ठीक है और इसमें हम लोगों ने कॉस्ट इस कॉफ़ी की क्या है सत्तर रुपये ठीक है अब मुझे अगर डार्क रोस्ट विद मोचा चाहिए मतलब चॉकलेट चाहिए तो मैं क्या करूँगा इस मेथड को कॉल मतलब इस क्लास का ऑब्जेक्ट बना लूंगा से कस्टमर मेरे पास आया उसकी डिमांड है कि उसको डार्क रोस्ट विद मोचा चाहिए ठीक है तो मैं क्या करूँगा इसका ऑब्जेक्ट बना लूँगा और इसका मेथड कॉस्ट वाला कॉल कर लूँगा और मेरे पास क्या आ जाएगा जो टोटल अमाउंट है बिल का राइट right? क्या हो रहा है बेसिकली मैं कॉफ़ी की कॉस्ट प्लस मैं ऑन की कॉस्ट दोनों को प्लस करके रिटर्न कर रहा हूँ ठीक है सिमिलरली अगर मुझे डार्क रोस्ट स्टीम्ड मिल्क के साथ चाहिए क्या कर रहा हूँ मैं मिल्क का प्राइस ऐड कर दे रहा हूँ सत्तर रुपये में करेक्ट कुछ भी हार्ड नहीं है सत्तर रुपये हमारी कॉफी का प्राइस है साथ में मैं टेन रुपए उसका ऐड कर दे रहा हूँ करेक्ट सेम एस्प्रेसो सिंपल कॉफी एक सौ बीस रुपये की है बट अगर मोचा के साथ लोगे तो बीस रुपये और एड ऑन हो जाएंगे ठीक है तो मैंने क्या कर दिया ऐसे एड्स मतलब जितने भी हमारे कॉन्डिमेंट्स थे कॉन्डिमेंट्स मतलब जो ये एड ऑन है चॉकलेट स्टीम्ड मिल्क राइट इनके साथ मैंने क्लासेज बना दिए ठीक है और मेन मेथड में जाके मैंने जैसा बोला मैं कस्टमर हूँ मुझे क्या चाहिए था मुझे चाहिए था एस्प्रेसो विद स्टीम्ड मिल्क एंड मोचा चाहिए था तो मैंने क्या किया इसका ऑब्जेक्ट बनाया बेवरेज का ठीक है और कॉल कर दिया गेट डिस्क्रिप्शन और यहाँ पे कॉल कर दिया एस्प्रेसो की कॉस्ट तो जैसे मैं इसको रन करूँगा तो यहाँ पर डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ आ गया यू हैव ऑर्डर्ड एस्प्रेसो विद स्टीम्ड मिल्क एंड मोचा ठीक हो गया और यहाँ पर टोटल अमाउंट एक लिखी हुई आ गई करेक्ट तो क्या होगा कस्टमर मुझे एक सौ पे करेगा और मैं उसको कॉफ़ी दे दूँगा ठीक है तो गाइस ये हमारा क्या था जो हमको रिक्वायरमेंट आई थी हमने वो बनाकर क्लाइंट को दे दी ठीक है क्लाइंट काम कर रहा है उसको खुश है वो एकदम बिल्कुल एप्लीकेशन से जैसा उसको चाहिए था वैसा काम बन रहा है बट गाइस आपको इसमें कोई फ्लॉ नज़र आ रहा है कोई इशू नज़र आ रहा है बिल्कुल आ रहा है भाई हम लोगों ने क्या किया हम लोगों ने क्या किया हम लोगों ने कॉफी के साथ ठीक है जितने भी ऑन हो रहे हैं हमने उसका क्या कर दिया कॉन्क्रीट इम्प्लीमेंटेशन कर दिया समझ रहे हो हम लोगों ने क्या किया कॉन्क्रीट इम्प्लीमेंटेशन कर दिया मतलब डार्क रोस्ट के साथ मोचा ठीक है हम लोगों ने क्या कर दिया डार्क रोस्ट के साथ बीस रुपये और ऐड कर दिए अब लेट से फ्यूचर में अगर मेरे पास और एडोन्स आ गए या फिर और कॉम्बिनेशन ऐसे कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं सोचो है ना ऐसे कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे और मैं क्या यहाँ पे क्लास ही ऐड करता रह जाऊँगा क्लास ऐड करूँगा और बेवरेज को एक्सटेंड करता रह जाऊँगा ऐसे तो भैया यहाँ पे पूरा तहलका मच जाएगा राइट तो जैसे आप इस डायग्राम में देख रहे हो देखो इसमें कितने सारे कॉम्बिनेशन बन गए हैं ठीक है ऐसे में तो भैया ख़तरनाक है ऐसे में फिर अगर एक जगह चेंज करना है लट से मेरे को मेरे दूध का प्राइस बढ़ गया ठीक है मेरे स्टीम्ड मिल्क का प्राइस बढ़ गया तो मेरे को क्या करना है फिर मुझे ट्रैक करना पड़ेगा दोबारा से ठीक है कि कहाँ कहाँ स्टीम्ड मिल्क वाला कॉन्डिमेंट यूज़ हुआ है और फिर वहाँ जाके बीस बीस करना पड़ेगा तो क्या ये अप्रोप्रिएट सोल्यूशन है क्या लगता है आपको क्या ये अच्छा सोल्यूशन था बिल्कुल नहीं था हमको ऐसा सोल्यूशन बनाना है जो कि हमारा फ्यूचर प्रूफ हो एफिशिएंट हो ये दो पॉइंट तो हमेशा याद रखना ठीक है हमको ऐसा सॉल्यूशन बनाना है जो हमारा फ्यूचर प्रूफ हो एफिशिएंट हो राइट तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा उसके लिए आपके पास कोई सॉल्यूशन आ रहा है सोचो ज़रा कि इसको कैसे आप बनाओ कि हमको इतने सारे क्लासेस बनाने की ज़रूरत ही ना पड़े सोचो ज़रा किसी को आया किसी को अगर सॉल्यूशन आ रहा है कमेंट में लिख के बताना कि भैया मुझे सॉल्यूशन मिल गया करके और मैंने इम्प्लीमेंट भी करा बढ़िया काम कर रहा है ठीक है और जिनको नहीं मिला कोई सॉल्यूशन हम उनके लिए नया सॉल्यूशन देंगे ठीक है अब हम क्या करते हैं सॉरी सेकंड सॉल्यूशन पे जाते हैं तो आप में से किसी किसी के दिमाग में ये आइडिया आया होगा क्यों ना हम लोग कॉन्डिमेंट्स को भी बेवरेज में डाल दें एज अ बुलियन वैल्यू और जो जो कॉन्डिमेंट ऐड करने उसकी वैल्यू ट्रू कर देंगे ठीक है देखते हैं मैं आपको डायग्राम से दिखाता हूँ ये देखो डायग्राम ठीक है तो दूसरा अप्रोच लोगों ने सोचा होगा कि क्यों ना हम लोग क्या करें जैसे हमारा कॉन्डिमेंट क्या था मिल्क सोए मोचा मिन्स चॉकलेट विप क्रीम राइट तो ये सारे हमारे कॉन्डिमेंट्स हैं एडॉन्स हैं ठीक है और जो जो एडॉन्स मेरे को डलवाने होंगे मैं क्या कर दूंगा उन एडॉन्स की वैल्यू सेट कर दूंगा ट्रू करेक्ट ठीक है जी और फिर मैं चेक कर लूँगा क्या वो एडोन डला हुआ है ठीक है मतलब कॉस्ट मेथड में जब कैलकुलेट करेंगे तो मैं चेक कर लूँगा क्या वो एड ऑन डला हुआ है अगर डला हुआ है तो उसकी कॉस्ट ऐड कर दूंगा अदरवाइज उसकी कॉस्ट ऐड नहीं करूँगा एज सिंपल एज दैट इसमें क्या हो गया इसमें सिर्फ हमारे चार ही क्लास बने रहेंगे मतलब जितनी कॉफ़ी हैं उतनी क्लास बनेंगी बस एड ऑन के लिए हमको अलग अलग कॉम्बिनेशन बनाने की जरूरत ही नहीं है क्लासेज के साथ ठीक है ये पहले वाले से तो बेटर आइडिया है चलो इसको अब ट्राई करके, करके देखते हैं इम्प्लीमेंट करके देखते हैं ट्राई करके देखते हैं क्या ये काम करता है करके ठीक है तो हम लोग इसको इम्प्लीमेंट करते हैं ठीक है जी मैंने सेकेंड सोल्यूशन इम्प्लीमेंट किया मैंने क्या किया बेवरेज हमारा क्या था मेन क्लास था एब्सट्रैक्ट क्लास ठीक है डिस्क्रिप्शन तो ऑलरेडी था इसमें मैंने क्या कर दिया जितने भी एडांस थे ठीक है मैंने उनको क्या कर दिया बुलियन वैल्यू ले लिया ठीक है जी यहाँ तक भी समझ में आया ठीक है और सेटर्स में मैं क्या कर रहा हूँ Uh, मतलब uh, जो वैल्यूज़ हैं उनको सेट कर रहा हूँ और यहाँ पर जो ये है हैज़ मिल्क वाली वैल्यूज़ हैं इसमें वो बुलियन वैल्यू को मैं रिटर्न कर रहा हूँ ठीक है जी ये भी समझ में आता है और कॉस्ट मेथड में मैं क्या कर रहा हूँ चेक कर रहा हूँ क्या हमारे कॉफ़ी में मिल्क डला हुआ है अगर मिल्क डला हुआ है तो मैं क्या करूँगा मिल्क का पैसा टोटल अमाउंट में ऐड कर दूँगा ठीक है मोचा डाला हुआ है तो मैं क्या करूँगा मोचा मतलब चॉकलेट चॉकलेट डाला हुआ है तो मैं क्या करूँगा चॉकलेट का डेट अमाउंट ऐड कर दूंगा ठीक है सोए डाला हुआ है तो सोए का अमाउंट ऐड कर दूंगा विप क्रीम डली हुई तो विप क्रीम का अमाउंट ऐड कर दूंगा और लास्ट में टोटल तो अमाउंट रिटर्न कर दूंगा ठीक है तो ये मैंने कर दिया बिल्कुल बढ़िया है ठीक है और मेरा कॉफ़ी ये है कॉफ़ी तो नॉर्मल चीज़ें रिटर्न कर रहा है ठीक है रिटर्न सत्तर मतलब कॉफ़ी की प्राइस रिटर्न करेगा और अगर मेन क्लास देखें मेन क्लास में क्या हुआ कस्टमर हमारे पास आया कस्टमर ने बोला उसको क्या चाहिए एस्प्रासो चाहिए ठीक है तो हम लोगों ने क्या किया एस्प्रासो का ऑब्जेक्ट बना दिया फिर हमने उससे पूछा क्या कैके एडव डलवाना है उसने बोला भाई मुझे मिल्क चाहिए तो मैंने मिल्क ट्रू कर दिया उसने बोला मुझे मोचा चाहिए उसके ऊपर हमने मोचा ट्रू कर दिया उसने बोला फिर मोचे के ऊपर हमको क्या चाहिए विप्ट क्रीम चाहिए ठीक है हमने वो भी ट्रू कर दिया और ट्रू करने के बाद हमने टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करके उसको दे दी तो जब हम इसको रन करेंगे बिल्कुल परफेक्ट काम करेगा तो ये बोलेगा यू हैव ऑर्डर्ड एस्प्रेसो और उसने क्या करा उसने क्या करा यहाँ पर अमाउंट डाल दी दो सौ रुपये कैलकुलेट करके बता दी ठीक है एस्प्रेसो का प्राइस प्लस में मिल्क का प्राइस प्लस में मोचा का प्राइस प्लस में विप क्रीम का प्राइस करेक्ट समझ में आ गया ये तो चलो हमारा हो गया तो भाई इसमें आपको कोई गलती दिख रही है हर बार पूछूंगा मैं इसमें आपको कोई गलती दिख रही है देखो काम करने के लिए तो एकदम परफेक्ट काम कर रहा है ठीक है और गलती भी ऐसाच कोई इतनी भयानक है नहीं इसमें ठीक है अगर आप देखोगे काम तो बहुत बढ़िया कर रहा है गलती तो कुछ भी नहीं नज़र आ रही है राइट देखो कुछ भी गलती नज़र नहीं, नहीं आ रही है है ना परफेक्ट लग रहा है एकदम बट गाइज़ ये कोड एफ़िशेंट नहीं है एफिशियट क्यों नहीं है अब मैं आपको बताता हूँ एफिशिएंट क्यों नहीं है भले ही हमने इसको फ्यूचर प्रूफ बना दिया है फ्यूचर प्रूफ भी कैसे बनाया हम लोगों ने फ्यूचर प्रूफ भी अच्छे से नहीं है ये ठीक है इसमें एक बहुत बड़ी चीज़ वॉयलेट हो रही है वॉयलेट क्या हो रही है जब भी हमको मान लो ठीक है इससे हम लोग एक चीज़ तो हम लोग ने रिजोल्व कर दी पहले हम देखते हैं हम लोगों ने क्या क्या कश्यूज़ रिजोल्व किए इस सोल्यूशन से ठीक है एक चीज़ तो हमने रिजॉल्व कर दी कि मान लो लेट से मेरा एडोन का प्राइस चेंज होता है तो लास्ट टाइम में मैंने क्या बोला था अगर हमारा एडोन का प्राइस चेंज होगा ठीक है तो हम लोगों ने इतने सारे पॉसिबिलिटीज़ बनाए थे राइट इतनी सारी क्लासेज बनाई थी तो क्या करना पड़ता है मुझे जहाँ एडोन का प्राइस चेंज हुआ था अब वो वो पॉसिबिलिटी वाले एडोन जहाँ जहाँ लगे होंगे वहाँ जाके मुझे उसका प्राइस चेंज करना पड़ता है ट्रैक डाउन करके ठीक है बट इसमें क्या फ़ायदा हुआ इसमें हम सीधे मिल्क में आएंगे मिल्क का प्राइस चेंज कर देंगे मोचा में आएंगे उसका प्राइस चेंज कर देंगे राइट तो इससे हम लोगों ने ये चीज़ तो सॉल्व कर ली ठीक है बट इससे क्या क्या चीज़ दिक्कत है एलेट से मेरे को नया ऑन डालना है ठीक है लेट से मुझे एक नया ऑन बनाना है करेक्ट तो मुझे नया एड बनाना था तो मुझे क्या करना पड़ेगा ये बेवरेज वाली क्लास छेड़नी पड़ेगी ठीक है ये बेवरेज वाली क्लास मुझे अपडेट करनी पड़ेगी ठीक है सिमिलरली फिर मुझे यहाँ पे उसके सेटर्स अपडेट करने पड़ेंगे ये हैज़ मिल्क वाला मेथड मतलब हैज़ वाले मेथड जो प्रेजेंट वाले मेथड होते नहीं जो इज प्रेजेंट वाले मेथड होते हैं वो लिखने पड़ेंगे इसके मुझे करेक्ट तो मुझे क्या कर मैं क्या कर रहा हूँ बेसिकली मैं ये बेवरेज क्लास को बार बार छेड़ रहा हूँ जब भी मेरी कोई नई रिक्वायरमेंट आ रही है तो क्या ये फुल प्रूफ फ्यूचर प्रूफ है नहीं है भाई फुल प्रूफ फ्यूचर प्रूफ नहीं है क्यों नहीं है क्योंकि मुझे बार बार बेवरेज क्लास को चेंज करना पड़ रहा है ठीक है तो एक इशू हमने ये निकाला एक इशू सॉल्व भी किया हम लोगों ने कि हमको उतना सारा ट्रैक डाउन करने की जरूरत नहीं पड़ी एड का बट हमारा एक बड़ा एक इशू और निकल गया कि ये फ्यूचर प्रूफ नहीं है ठीक है ये एफिशिएंट भी नहीं है कैसे नहीं है एफिशिएंट देखो पिछले बार हम लोग क्या कर रहे थे हम लोगों ने उतनी सारी क्लासेस तो बना ली थी कॉम्बिनेशन के साथ बट डिस्क्रिप्शन में हमको लिखा हुआ आ रहा था हमने एडवांस कौन कौन से लिए हैं बट इसमें क्या हो रहा है हम लोग एडवांस का डिस्क्रिप्शन नहीं दे सकते ठीक है तो इसमें एड ऑन का मैसेज प्रिंट ही नहीं होगा हम लोगों ने इस एक्सप्रेसो में क्या क्या एड ऑन करवा रखा है हमको पता ही नहीं है कि ये प्राइस क्या क्या है तो बिल में एडॉन्स लिखे हुए आएंगे ही नहीं ठीक है तो एक इशू इसमें यह आ जा रहा है तो इससे क्या हो गया थोड़ा एफिशियसी बेकार हो गई कि भाई हमको सिर्फ टोटल प्राइस दिख रहा है और वो टोटल प्राइस किस किस का मिला के बना है किसी को नहीं पता ठीक है तो एक इशू ये दिख रहा है ठीक है तो दो इशू हमको यहाँ पकड़ में आ गए तो अब हम लोग रिजॉल्व कैसे करेंगे इन इश्यूज़ को ठीक है हम लोग क्या यूज़ करने वाले हैं एक नया डिज़ाइन प्रिंसिपल ठीक है यहाँ पर एक डिज़ाइन प्रिंसिपल की एंट्री होती है वो डिज़ाइन प्रिंसिपल क्या बोलता है हम देखते हैं अभी ठीक है हमको ये चीज़ सॉल्व करनी है राइट तो वो डिज़ाइन प्रिंसिपल क्या बोलता है वो डिज़ाइन प्रिंसिपल बोलता है कि ये देखो वो डिज़ाइन प्रिंसिपल क्या बोल रहा है क्लासेस शुड बी ओपन फॉर एक्सटेंशन बट क्लोज्ड फॉर मॉडिफिकेशन हम लोग क्या कर रहे हैं ये जो बिवरेज वाली क्लास है राइट इसको बार बार मॉडिफाई करेंगे अगर फ्यूचर में कोई नया एड ऑन आया तो हमको इसको मॉडिफाई करना पड़ेगा राइट कोई डेट अगर मान लो कोई किसी का प्राइस चेंज हुआ तो हमको क्या करना पड़ेगा यहाँ पर जाके इसकी कॉस्ट चेंज करनी पड़ेगी राइट तो हम लोग क्या कर रहे हैं क्लास को मॉडिफाई कर रहे हैं और ये डिज़ाइन प्रिंसिपल क्या बोल रहा है कि बेस्ट प्रैक्टिस है कि तुम क्लास को सिर्फ एक्सटें एक्सटेंट करो मॉडिफाई मत करो ठीक है मतलब क्लास शुड बी ओपन फॉर एक्सटेंशन बट नॉट फॉर बट क्लोज फॉर मॉडिफिकेशन ठीक है इन सिंपल वर्ड आवर गोल इज टू अलाउ क्लासेस टू बी ईजिली एक्सटेंडेड टू इनकॉर्पोरेट न्यू बिहेवियर्स विदाउट मॉडिफाइंग एग्जिस्टिंग कोड ठीक है मतलब ऐसे कोड करो कि तुम नया बिहेवियर भी ऐड कर सको और पुराने वाले को छेड़ो भी ना ठीक है इस प्रिंसिपल को हम बोलते हैं ओपन क्लोज प्रिंसिपल ठीक है और इसी पे बेस्ड है हमारा डेकोरेटर पैटर्न ठीक है तो डेकोरेटर पैटर्न क्या करता है डेकोरेटर पैटर्न अटैच एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू एन ऑब्जेक्ट डायनेमिकली ठीक है डेकोरेटर्स प्रोवाइड अ फ्लेक्सीबल अल्टरनेटिव टू सब क्लासिंग फॉर एक्सटेंडिंग फंक्शनैलिटी ये टेक्निकल डेफिनेशन है हम देखते हैं काम कैसे करता है ठीक है ठीक है जी तो अब हम क्या आ गए डेकोरेटर पैटर्न में आ गए अब डेकोरेटर पैटर्न क्या करता है बेसिकली ठीक है अगर आप डायग्राम देखोगे डेकोरेटर पैटर्न का तो ये देखो ये डेकोरेटर पैटर्न का जनरल डायग्राम है ये बोल रहा है कि एक कॉम्पोनेंट है जैसे हमारा कॉम्पोनेंट क्या है बिवरेज है हमारे केस में ठीक है तो ये बोल रहा है कॉम्पोनेंट है ठीक है उसकी एक कॉन्क्रीट इम्प्लीमेंटेशन है मतलब जो कॉफी है हमारी वो हमारी कॉन्क्रीट इम्प्लीमेंटेशन है ठीक है तो ये बोल रहा है हम क्या करेंगे एक डेकोरेटर बनाएंगे ठीक है वो डेकोरेटर क्या होगा जैसे मान लो मेरे को एस्प्रेसो है ठीक है मेरे पास एस्प्रेसो है ठीक है मैं इस डायग्राम से नहीं समझाता हूँ आपको मैं एक सिंपल डायग्राम से समझाता हूँ ये वाले डायग्राम से ठीक है ये देखो लेट्स से हमारे वाले एग्ज़ाम्पल में अगर हम डेकोरेटर पैटर्न लगाते हैं ठीक है तो इससे आपको ईजीली समझ में आएगा मैंने क्या ऑर्डर किया था डार्क रोस्ट ऑर्डर किया लेट से ठीक है तो मैंने डार्क रोस्ट ऑर्डर किया और साथ में मुझे एड ऑन चाहिए था मोचा का तो मैंने क्या किया डार्क रोस्ट को मोचा में रैप कर दिया ठीक है और फिर मुझे उसके ऊपर से चाहिए था विप क्रीम तो मैंने मोचा को भी रैप कर दिया विप क्रीम से ठीक है मतलब अब क्या हुआ कि जो इसकी कॉस्ट है मतलब देखो अगर आप ये स्टेप्स पढ़ोगे ना फर्स्ट क्या होगा विप क्रीम का कॉस्ट कॉल होगा राइट फिर ये विप क्रीम का कॉस्ट मोचा का कॉस्ट कॉल करेगा ठीक है उसके बाद मोचा का कॉस्ट डार्क रोस्ट का कॉस्ट कॉल करेगा ठीक है डार्क रोस्ट का कॉल रिटर्न करेगा अपना मतलब डार्क रोस्ट कॉफ़ी है हमारी तो डार्क रोस्ट का कॉस्ट रिटर्न करेगा कॉफ़ी का अमाउंट ठीक है और वो क्या करेगा ऐड होगा मोचा के अमाउंट के साथ फिर वो ऐड होगा विप क्रीम के अमाउंट के साथ और फिर वो बाहर आ जाएगा टोटल अमाउंट ठीक है तो बेसिकली डेकोरेटर पैटर्न यही करता है वो क्या करता है ऑब्जेक्ट को रैप करता है ठीक है अब देखो रैप करता है मतलब जैसे हम लोग गिफ्ट रैप करते हैं राइट तो हम लोग क्या कर रहे हैं गिफ्ट को डेकोरेटिव तो कर रहे हैं राइट तो इसलिए उसको डेकोरेटर पैटर्न कहा जाता है हम लोग क्या करते हैं ऑब्जेक्ट्स को रैप करते हैं दूसरे ऑब्जेक्ट से ठीक है दूसरे ऑब्जेक्ट से रैप करते हैं ऑफ सिमिलर टाइप जो जिससे रैप कर रहे हैं वो भी सेम टाइप का होना चाहिए मतलब जो मैंने डार्क रोस्ट को रैप किया हुआ है ठीक है इसका टाइप और मोचा का टाइप ये टाइप सेम होना चाहिए ठीक है सेम कैसे होगा सेम कैसे होगा देखो सेम ऐसे होगा डार्क रोस्ट किसको इंप्लीमेंट कर रहा है किसको एक्सटेंड कर रहा है बेवरेज को एक्सटेंड कर रहा है ठीक है अगर आप डेकोरेटर देखो डेकोरेटर को देखो डेकोरेटर मेरे पास मिल्क मोचा सोए सब है ठीक है तो ये किसको ये कॉन्डिमेंट डेकोरेटर को इंप्लीमेंट कर रहे हैं राइट मतलब एक हम लोगों ने डेकोरेटर इंटरफेस बना दिया है ठीक है वही ताकि रन रन टाइम पर हम लोग क्या कर सकें नए 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 एडवांस एड कर सकें ठीक है अगर मैं डायरेक्टली इसको बेवरेज से वो करता इंप्लीमेंट करवा देता ठीक है तो मेरा गड़बड़ हो जाता है मुझे फिर क्या है दोबारा से रन टाइम पे मैं ऐड नहीं कर पाता किसी नए ऐड ऑन को मुझे फिर से कोड चेंजेस करने पड़ते सो जहाँ पर भी रन टाइम पे बात आ रही है कि रन टाइम पे तुमको ऐड करना है कोई चीज़ वहाँ पे इंटरफेस इसका खेला जाएगा तो मैंने क्या किया एक इंटरफेस बना लिया कॉन्डिमेंट डेकोरेटर करके और क्या किया जितने भी नए नए डेकोरेटर ऐड होते रहेंगे वो इसको इंप्लीमेंट करते रहेंगे ठीक है तो अगर आप देखोगे जो ये कॉन्डिमेंट डेकोरेटर का टाइप है ठीक है और जो कॉफी का टाइप है वो सेम टाइप के हैं बेवरेज टाइप के ठीक है ना तो यही चीज़ मतलब देखो कॉन्डिमेंट डेकोरेटर में क्या हो रहा है बेवरेज टाइप का ऑब्जेक्ट हम लोग ले रहे हैं ठीक है तो ये अब जो रैप करते हैं हम ऑब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट को रैप करते हैं उनका टाइप सेम रहता है सेम टाइप के ऑब्जेक्ट सेम टाइप के ऑब्जेक्ट्स को रैप करते हैं ठीक तो है तो इसी पूरे को हम लोग बोलते हैं डेकोरेटर पैटर्न ना इसको हम लोग क्या करते हैं कोड में समझते हैं कोड करके तो आपको और बेटर समझ में आएगा ठीक है तो हम लोगों ने क्या किया हम खोलते हैं फाइनल सॉल्यूशन ठीक है तो हम लोगों ने सबसे पहले बेवरेज अपनी क्लास देखते हैं इसमें हम लोगों ने कुछ नहीं किया सब हटा दिया अनाप शनाप चीज़ें सब थी हटा दी डिस्क्रिप्शन रखा है ठीक है गेट डिस्क्रिप्शन रखा है और एब्सट्रैक्ट कॉस्ट रखी हुई है जो इनिशियली हमने रखी थी ठीक है उसके बाद यहाँ पर हमारे कॉफ़ीज़ आएंगे जितने भी कॉफ़ीज़ ऐड होते रहेंगे और यहाँ पर उसकी कॉस्ट कैलकुलेट होगी अभी तक जो कर रहे थे हम लोग वही कर रहे हैं सारा खेल शुरू होगा डेकोरेटर से ठीक है तो मैंने क्या किया कॉन्डिमेंट डेकोरेटर बनाया जो कि सेम बेवरेज टाइप का है देख लो ये बेवरेज को ही एक्सटेंड कर रहा है देखो डार्क रोस्ट भी बेवरेज को एक्सटेंड कर रहा है कॉन्डिमेंट डेकोरेटर भी बेवरेज को एक्सटेंड कर रहा है कभी भी अगर कोई भी ऑब्जेक्ट किसी ऑब्जेक्ट को रैप कर रहा है तो सेम टाइप का होना चाहिए कोई दूसरे टाइप का ऑब्जेक्ट किसी और ऑब्जेक्ट को रैप नहीं कर सकता ठीक है तो डेकोरेटर पैटर्न में हम क्या करेंगे सेम टाइप के ऑब्जेक्ट को रैप करवाएंगे ठीक है अब कैसे करवाएंगे हम देखते हैं आगे तो मैंने क्या किया एक एब्सट्रैक्ट क्लास बना ली कॉन्डिमेंट डेकोरेटर करके ठीक है अब क्या हो सकता है अब हमारा डिस्क्रिप्शन वाला इशू भी रिजॉल्व हो जाएगा हम क्या कर सकते हैं एडॉन का डिस्क्रिप्शन भी दे सकते हैं और सारे एडॉन को डिस्क्रिप्शन देना है करके हम लोगों ने क्या कर दिया उसको एब्स्ट्रैक्ट बना दिया ठीक है और यहाँ पर मैंने बेवरेज टाइप का बिवरेज ले लिया अब ये क्यों लिया है वो आगे देखते हैं ठीक है अब हम क्या क्या कर सकते हैं फ्यूचर में भी अगर कोई नया ऑन आता है तो हम लोग क्या करेंगे डेकोरेटर के अंदर जाके नया ऑन बना लेंगे और उसको एक्सटेंड करा देंगे कॉन्डिमेंट डेकोरेटर से ठीक है और यहाँ जाकर मैं क्या करूँगा कॉस्ट उसकी अब प्लस कर दूंगा ठीक है और डिस्क्रिप्शन सेट कर दूंगा अच्छा आप यहाँ देख रहे होंगे यहाँ पे मैंने कंस्ट्रक्टर में बेवरेज सेट कर रखा है ठीक है ये क्यों कर रखा है ये आपको याद होगा जब हम लोगों ने भी ऑब्जर्वर पैटर्न में वो वेदर डेटा वाला ऑब्जेक्ट लिया था ना सेम कंस्ट्रक्टर में हम क्या कर रहे थे वेदर डेटा का ऑब्जेक्टिव सेट कर रहे थे सेम काम यहाँ पर भी हो रहा है कैसे कॉल होगा अभी मैं आपको दिखाऊंगा ठीक है तो हम लोगों ने क्या किया एडवांस को भी अब बना दिया अच्छे से ठीक है अब हमको ये ऑब्जेक्ट डेकोरेट करने मतलब रैप करने हैं तो हम आ जाएंगे मैप मतलब मेन क्लास में आ जाएंगे कस्टमर आया कस्टमर ने क्या खरीदा कस्टमर ने एस्प्रेसो खरीदा ठीक है अब उसने एस्प्रेसो खरीदा अब उसने मुझे बोला कि भैया मुझे सिर्फ एस्प्रेसो चाहिए ठीक है तो हम लोगों ने क्या किया एस्प्रेसो का कॉस्ट टोटल करके उसको दे दिया बट लेट से अब दूसरा कस्टमर आया उसने डार्क रोस्ट खरीदा ठीक है अब उसने बोला मुझे डार्क रोस्ट के ऊपर क्या चाहिए मोचा चाहिए तो मैंने क्या किया डार्क रोस्ट का ऑब्जेक्ट बनाया था उसके ऊपर मैंने किस उसको किससे रैप किया मोचा से रैप किया ठीक है उसको मैंने किससे रैप कर दिया मोचा से रैप कर दिया ठीक है उसके बाद उसने बोला भैया मोचा के ऊपर मुझे क्रीम भी चाहिए तो मैंने क्या कर दिया उसको फिर से रैप कर दिया विप क्रीम के साथ तो बेसिकली मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर जो मैंने कंस्ट्रक्टर बनाया था मैं क्या कर रहा हूँ वो जो पुराना वाला ऑब्जेक्ट है जो ऑलरेडी रैप्ड है ये बेवरेज के अंदर क्या आ रहा है बेसिकली पुराना वाला ऑब्जेक्ट जो ऑलरेडी रैप्ड है जिसके पास खुद की कॉस्ट है ठीक है तो वो हम यहाँ पास करा रहे हैं ठीक है थीके? ये चीज़ हो रही है यहाँ पर कहा गया मेन क्लास ठीक है फिर उसने बोला मुझे एक और मोचा चाहिए ठीक है अच्छा हाँ इससे मुझे याद आया जो हमारा प्रीवियस सॉल्यूशन था वो बुलियन वाला सॉल्यूशन उसमें क्या है अगर मान लो किसी ने डबल मोचा ऐड करने के लिए बोल दिया तो हम उसको कर सकते थे उसमें एक और इशू था हम डबल मोचा भी ऐड नहीं कर सकते थे डबल मोचा या फिर डबल एडोन अगर किसी ने ऐड करवा दिए उसने कहा कि मुझे डबल विप्ड क्रीम चाहिए तो क्या मैं डबल विप्ड क्रीम ऐड कर सकता था उसमें नहीं क्योंकि एक बार बुलियन ट्रू हो गया तो ट्रू हो गया दोबारा ट्रू कैसे होता है ना तो उसमें एक और दिक्कत थी ये जो कि डेकोरेटर पैटर्न से अभी रिजॉल्व हो गई है अब उसने बोला मुझे डबल मोचा चाहिए तो लो भैया मैंने क्या कर दिया प्रीवियस ऑब्जेक्ट को दोबारा से मोचा में रैप कर दिया ठीक है और रैप करने के बाद मैंने क्या कर दिया कैलकुलेट कर दिया कॉस्ट समझ गए? ये डार्क रोज का कॉस्ट क्या कॉस्ट कैलकुलेट करेगा ये कॉस्ट कैलकुलेट करेगा पहले इस मोचा का ठीक है ये मोचा का कॉस्ट कॉस्ट किसको कॉल करेगा विप क्रीम को ये विप क्रीम किसका कॉस्ट कॉल करेगा मोचा का कॉस्ट कॉल करेगा ये मोचा किसका डार्क रोस्ट का तो यहाँ से फिर इसका टोटल होगा प्लस में फिर मोचा का टोटल होगा फिर विप क्रीम का टोटल होगा फिर मोचा का टोटल होगा हो और लास्ट में हमको टोटल अमाउंट मिल जाएगा ठीक है समझ गए इजी था हमारे जितने भी फ्लॉज थे वो सारे इसने कवर कर दिए ठीक है इसने हमारा वो वाला फ्लॉ भी कवर कर दिया एक तो मैंने अभी आपको बताया डबल अगर हमको ऐड ऑन करना है वो नहीं हो सकता था ठीक है दूसरा क्या कि अब डिस्क्रिप्शन भी आ सकता है अगर मैं इसको रन करूँगा आपको डिस्क्रिप्शन भी दिखेगा एडॉन्स का भी ठीक है देखो जैसे मैंने क्या डार्क रोस्ट किया था यू हैव ऑर्डर डार्क रोस्ट विद मोचा विद विप क्रीम विद मोचा ठीक है तो हम लोगों ने क्या कर दिया डिस्क्रिप्शन भी ऐड कर दिया ठीक है तो एक वो हो गया ठीक है और दूसरा क्या था दूसरा ये था कि हम लोग अब दोबारा से बार बार बेवरेज क्लास को नहीं छेड़ेंगे अब हम लोग बेवरेज क्लास को छेड़ेंगे ही नहीं देखो अगर मान लो मुझे एक नया ऐड ऑन करना है ऐड तो मैं क्या करूँगा यहाँ डेकोरेटर्स में जाऊँगा नया ऐड ऑन ऐड करूँगा और उसको इंप्लीमेंट एक्सटेंड करा दूंगा कॉन्टिमेंट डेकोरेटर से बाकी काम वो कर ही रहा है खुद एक्सटेंड कर रहा है बेवरेज को ठीक है अब लाइट से मुझे नई कॉफ़ी ऐड करनी है बेवरेज में जाऊँगा नई कॉफ़ी ऐड करूँगा एक्सटेंड करा दूंगा बेवरेज से तो इधर मुझे छेड़ने की जरूरत नहीं पड़ रही है बेवरेज क्लास को मुझे छेड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है तो मेरा डिज़ाइन प्रिंसिपल काम आ रहा है इधर ओपन क्लोथ वाला डिज़ाइन प्रिंसिपल ठीक है तो ये था हमारा डेकोरेटर पैटर्न ठीक है तो आ, इसमें आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी ठीक है नहीं आई होंगी तो एक बार दोबारा से वीडियो देखना ठीक है अच्छा अभी डेकोरेटर ये चीज़ आपने अगर मैं आपको ये चीज़ दिखाऊं जो ये हम लोग अभी देख रहे थे ये चीज़ ये चीज़ तो आपने बहुत जगह देखी भी होगी राइट आपको कहीं याद आ रहा है आपने ये चीज़ कहाँ देखी है जावा में जावा में आपको पता है डेकोरेटर पैटर्न कौन कौन सी लाइब्रेरी यूज़ यूज़ करती हैं तो उसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है जो हम लोग इनपुट आउटपुट लाइब्रेरीज यूज़ करते हैं ना आयुष स्ट्रीम्स यूज़ करते हैं वो हमारे डेकोरेटर पैटर्न ही यूज़ करती हैं ठीक है ठीके? कैसे करती हैं एक छोटा सा एग्ज़ाम्पल मैं आपको देता हूँ ठीक है छोटा सा एग्ज़ाम्पल देते हैं कैसे काम करती है आयुष स्ट्रीम्स हमारी देखो ये डायग्राम देखो ठीक है तो जो हमारी इनपुट स्ट्रीम होती है वो बेसिकली डेकोरेटर पैटर्न का ही काम करती है देखो इनपुट स्ट्रीम के अंदर क्या है बहुत सारी फाइल इनपुट स्ट्रिंग स्ट्रिंग बफर इनपुट स्ट्रीम बाइट एरे इनपुट स्ट्रीम और ये फ़िल्टर इनपुट स्ट्रीम तो ये फ़िल्टर इनपुट स्ट्रीम है ये डेकोरेटर है बेसिकली ठीक है तो हम लोग क्या कर सकते हैं खुद का कस्टम स्ट्रीम भी क्रिएट कर सकते हैं ठीक है तो मैंने एक एग्जाम्पल ले रखा है छोटा सा जिसमें हम लोग क्या कर रहे हैं कस्टम स्ट्रीम बना रहे हैं ठीक है, है? जस्ट आपको समझाने के लिए कि आ, कैसे जावा भी जावा के जो लाइब्रेरीज होती हैं स्ट्रीम लाइब्रेरीज वो भी क्या यूज़ करती है डेकोरेटर पैटर्न यूज़ करती है तो फिल्टर इनपुट स्ट्रीम क्या एक है डेकोरेटर है ठीक है ठीक है तो हम लोगों ने क्या किया अपना कस्टम इनपुट स्ट्रीम बनाया ठीक है इसको एक्सटेंड करा दिया डेकोरेटर से तो अब क्या हो गया हमारा अब हम लोग क्या कर सकते हैं अपने कस्टम इनपुट स्ट्रीम बना सकते हैं ठीक है तो मैंने क्या किया ये बेसिकली क्या कर रहा है application? ये एप्लीकेशन ये एप्लीकेशन क्या करेगा हमारी फाइल से डेटा रीड करेगा और जो भी अपर केस के डेटा होगा उसको करेक्टर को लोअर केस में कन्वर्ट कर देगा ठीक है तो हम लोगों ने क्या किया यही रीड मेथड को इम्प्लीमेंट किया रीड मेथड को इम्प्लीमेंट करके हम वही कर रहे हैं कि करेक्टर डॉट टू लोअर केस कर रहे हैं वन बाई वन लूप लगा रखा है वन बाई वन करेक्टर रीड कर रहे हैं और उसको लोअर केस में कन्वर्ट कर रहे हैं दैट्स इट ठीक है तो यहाँ ऐसा करके हम लोगों ने क्या किया कस्टम स्ट्रीम बना ली ठीक है यूजिंग दिस डेकोरेटर तो इसमें जो फाइल इनपुट स्ट्रीम है ये बेसिकली एक डेकोरेटर है ठीक है वैसे ही अगर आप ये डायग्राम देखोगे तो ऑलरेडी इतने सारे डेकोरेटर बने हुए हैं पुशबैक इनपुट स्ट्रीम बर्फर्ड इनपुट स्ट्रीम डेटा इनपुट स्ट्रीम तो अगर आप इसको कॉल करते हो ठीक है अगर आप जैसे इसको कॉल करते हो देखो मेन एप्लीकेशन में जाके तो आपने देखा होगा आप कभी ऐसे भी करते होंगे ना न्यू लोअर केस मतलब यहाँ पर आपने एक फाइल इनपुट स्ट्रीम कॉल किया फिर उसके ब्रैकेट में पास कर रहे हो न्यू बफर्ड इनपुट स्ट्रीम फिर यहाँ पे न्यू फाइल इनपुट स्ट्रीम राइट तो हम लोगों ने भी क्या किया अपना जो कस्टम इनपुट स्ट्रीम बनाया था उसको डेकोरेट किया हम लोगों ने बफर इनपुट स्ट्रीम से फिर से डेकोरेट किया फ़ाइल इनपुट स्ट्रीम से अब फाइल इनपुट स्ट्रीम क्या करके लाएगा उस फाइल को पकड़ के लाएगा रीड करेगा और हमारा क्या करेगा उसको कन्वर्ट करेगा ठीक है तो अगर आप देखो तो ऐसे बहुत सारी लाइब्रेरीज हैं जावा में जो कि ये पैटर्न्स फॉलो करती है ठीक है तो डिज़ाइन पैटर्न फॉलो करना बहुत ही एक अच्छा अप्रोच है बहुत अच्छी चीज़ है बेस्ट प्रैक्टिसेस में काउंट होता है ठीक है हमको भी करनी चाहिए अब आप भी जान गए हो डेकोरेटर पैटर्न को तो अब आप क्या कर सकते हो नेक्स्ट टाइम से कभी भी ऐसा कुछ आपको इसी काइंड का कोई सिनेरियो मिलता है तो यू कैन यूज़ डेकोरेटर पैटर्न एज वेल सो गाइज ये था हमारा डेकोरेटर पैटर्न के बारे में तो अभी तक हम लोगों ने सीख लिया है स्ट्रेटजी पैटर्न क्या होता है ऑब्जर्वर पैटर्न क्या होता है डेकोरेटर पैटर्न क्या होता है ठीक है तीन पैटर्न हमारे अभी टिप्स में हैं ठीक है कोई इशू है डेकोरेटर पैटर्न में यू कैन जस्ट कमेंट डाउन बिलो मतलब अगर समझ में नहीं आया तो वीडियो एक बार दोबारा से देखो अगर स्टिल समझ में नहीं आया तो क्वेश्चन पूछना ठीक है क्वेश्चन पूछना और साथ के साथ कोई भी डाउट है वो पूछना आई ट्राई टू आंसर यू जितना भी जल्दी हो सके और अगर सेम टाइप के क्वेश्चन बार बार आ रहे हैं मतलब ज़्यादा लोगों के डाउट्स हैं तो मैं क्या करूँगा एक अलग से ही फिर वीडियो बना लूँगा सो so दैट कि सबके लिए ईजी हो जाएगा समझना ठीक है सो so गाइज आज के लिए बस इतना ही आ, ये डिज़ाइन पैटर्न वाली सीरीज़ में बने रहें आगे और भी हम लोग नए नए डिज़ाइन पैटर्न के बारे में बात करेंगे सो थैंक्स गाइज बाय टाटा